जो प्रभु ने स्थान दिया उस स्थान को ग्रहण कर। सो दूर जाए तो भी वो नजदीक रहे और नजदीक आए। आज हम उसी रोशनी के नजदीक आने का मौका जो परमेश्वर ने दिया, और ये रोशनी को हर व्यक्ति नहीं पा सकता। किसी के पास गाने की कोई पुस्तक है? किसी के पास गीत की पुस्तक है? बच्ची की जिंदगी में सिर ढाकू मैं नहीं जानता इस बच्ची को, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा जानती है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसके माता पिता कोई है? इसकी फैमिली में से कोई है? इसकी फैमिली में से कोई है? भजन से था 74 वर्सेस आयत 1-7। भजन से ही था 74 पद संख्या 1-7 तक। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चढ़ाई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? अपनी मंडली को जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा दिया है, और इस सियोन पर्वत को भी जिस पर तूने वास किया था स्मरण कर, अपने डग अनंत खंडहरों की ओर बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में की है। तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे हैं, उन्होंने अपनी ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है। वे उन मनुष्यों के समान थे जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हारे चलाते हैं, और अब वे उस भवन की नकाशी को कुल्हारियों और हथौरों से बिल्कुल तोड़े डालते हैं। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला है। आमीन। ये प्रार्थना का विषय इस बेटी को परमेश्वर आज के दिन इसके जीवन में देना चाहता है। इस बेटी की प्रार्थना से शैतान के गढ़ टूटेंगे, और जो कलीसिया में रोशनी नहीं, इसकी प्रार्थना से परमेश्वर की रोशनी पैदा होगी। हालेलुया। मैं इस बच्ची को नहीं जानता। वो मां का गर्भ कितना धन्य है जो जानती नहीं।
ये प्रार्थना एक ऐसी गहरी प्रार्थना है कि शत्रु का सामना करने के लिए और शैतान के गढ़ को उठाने के लिए परमेश्वर ने इस बेटी को चुना है। हालेलुया, क्योंकि यह हासिल अब करना नहीं करना इसका निश्चय इसके हाथ में, परमेश्वर का सूप अब इसके हाथ में दे दिया गया है। भयानक भविष्यवाणी है, यह आसान जिंदगी नहीं होती। अब इसके और परमेश्वर के बीच कैसा रिश्ता है यह मैं और आप नहीं जानते। बहुत भयानक बात है। पहला पद से छोड़ के तीसरा पद पढ़े। तीसरा पद 74 का भजन संहिता। अपने डर अनंत खंडहरों की ओर बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में की हैं। अब इस बात को ध्यान रखिएगा मसीहो, जिस दिन परमेश्वर परमेश्वर के ही शत्रु बन के काम कर रहे हैं, उनके विषय में ये भविष्यवाणी करेगी। हालेलुया। किसी भी कलीसिया के कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितनी बुराइयां हैं, कितने प्रभु के योजनाओं और कामों को खंडन किया है, इसके मुख से निकलेगा। और अगर ये बोलने में निडर रही तो वो प्रतिफल जो डरपोक लोग नहीं होते वो प्राप्त करते हैं, और अगर डरपोक रही तो परमेश्वर का क्रोध का सामना करना होगा। ये पवित्र आत्मा की योजना है, यह परमेश्वर की योजना है। और आगे पद पढ़िए। तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे हैं। इसको द्रोही, जो परमेश्वर के द्रोही और शत्रु कहलाते हैं, उसके बारे में इसको स्वप्न या दर्शन के द्वारा परमेश्वर बताएगा। ये बहुत बड़ी योजना परमेश्वर की, मैं नहीं जानता ये बेटी कहां की है, लेकिन ये भविष्यवाणी अद्भुत रीति से होने वाली। आइए हम इसके लिए सर झुका के खुदा से ताकत मांगे, ताकि इस बेटी को वो ऊर्जा प्राप्त हो खुदा के कलाम की ताकत से। धन्य है ये बेटी जो परमेश्वर के राज्य को रोकने वाली शक्तियों का सामना करेगी और अंधकार के गढ़ों में जकड़े हुए लोगों को छुटकारा मिलेगा, और इस बच्ची के द्वारा वो अभिषेक का काम होगा जो मनुष्य कभी समझ नहीं सकता। धन्यवाद दो हृदय की गहराई से परमेश्वर को कि जिसने हमारी इस बेटी को छुट लिया और एक ऐसी तेजो में प्रकाशमान होने के लिए। उस मां के लिए भी धन्यवाद दो जिस मां का गर्भ धन्य है, जो इसके पिता धन्य है, जिन्होंने यकीन कभी नहीं किया होगा कि हमारे घराने से हमारे रांची शहर से एकमात्र जन्मभूमि में से जो चुन ली जाएगी ये चुनाव परमेश्वर। इसके लिए प्रार्थना निरंतर जो जो कहेगा समय ले रहा वो भी विजय का हकदार होगा। आप विजय पाने के हकदार होंगे, मुकुट को पाने के हकदार होंगे, सेनाओं के परमेश्वर के सिंहासन के पास जाने के हकदार होंगे। एक राजा योद्धा के लिए निकलता है लेकिन फौज उस राजा की मदद करती है। हमें अपने परमेश्वर
परमेश्वर के कहे अनुसार ये घोषणा आसान नहीं है। प्रभु को धन्यवाद देते रहो, प्रभु तू कितना अद्भुत सामर्थ्य भरा करके परमेश्वर कि हमारे सामने से एक बेटी को चुन लिया। तू कितना सामर्थ्य परमेश्वर है ये काम को पूरा करने के लिए। प्रभु हमसे प्रार्थना करवाना, हमारे घुटनों को झुकाना और हमारे हाथों को उठाए रखना ताकि हमारे हाथ को उठाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत ना पड़े। जैसा मूसा अपने हाथ को नीचा करते जा रहा था लेकिन एक साथी की जरूरत पड़ी और वो मूसा के हाथ को पकड़े हुए था। लेकिन प्रभु हमारे हाथ को ऊंचा ही रखना और पवित्र आत्मा जो हमारे साथ करने वाली आत्मा है वही निरंतर हमारे हाथों को मजबूत करे, उठाए रखे और हमारे घुटनों को तेरे आगे झुकाए रखे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के इस भविष्यवाणी के लिए जिसकी कल्पना हमने नहीं की इन दिनों में, लेकिन आज आपने अपनी कल्पना को सिद्ध कर दिया कि तू जिंदा सामर्थ्य पराक्रमी युग सत्यता की पहचान को तू दिखाता है। हमें हृदय की गहराई से तेरा धन्यवाद करते हैं। शैतान तेरी ताकतें और तेरी शक्तियों का सामना करने के लिए हमारे प्रभु ने एक बेटी को चुन लिया है। कई बेटियों को, कई लोगों को हमारा प्रभु चुनने जा रहा है। हम विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ये है परमेश्वर, क्योंकि व्यवस्था विवरण 4:20 जो उत्पत्ति 1:3 के पदों को हम देख रहे थे उस पद के आधारित परमेश्वर कहता है व्यवस्था विवरण 4:20 में, और तुमको यहोवा परमेश्वर लोहे के भट्टे सरीके मिश्र देश से निकाल ले आया है इसलिए कि तुम उसकी प्रजा नीच भाव ठहरो जैसा आज प्रकट है। प्रकट है उसके हम हिस्से हैं, उसकी हमें ताकत है जो जाने के रूप में मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि यह परमेश्वर निर्गमन 34:11-16 व्यवस्था विवरण 7:6-10 ऐसे लोगों को जिनको रोशनी में परमेश्वर बुला लेता है, आवाज देता है, आह्वान देता है, वो अपने प्रभु के लोग होते हैं। और जो प्रभु के लोग होते हैं वे बहुत सी प्रभु की कार्यों को करने के लिए दुख उठाते हैं, सताए जाते हैं, पर ऐसे लोग प्रभु को नहीं छोड़ते। और जितना सताए जाते हैं उतने ही प्रभु की रोशनी फैलती है, प्रभु का नाम ऊंचा होता है और प्रभु के लोग बनाए हुए स्थान में प्रवेश करने के योग्य बन जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है निर्गमन 34:11-16 और व्यवस्था विवरण 7:6-10 परमेश्वर ने प्रतिभर के सब देशों के लोगों में से तुझ इज़राइल को चुन लिया कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। कैसा परमेश्वर ने चुना उस बच्ची को, यह ब्लेसिंग, यह आशीष है, स्वर्गीय आशीष है, यह स्वर्गीय ताकत है कि चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। परमेश्वर ने जो तुमसे इसने करके तुमको चुन लिया
परमेश्वर ने जब तुमको बनथा के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा और फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह उजियाला, ज्योति, प्रकाश, रोशनी तुमसे प्रेम रखता है, तुमसे प्रेम रखता है। और इसीलिए यही विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे उजियाले से प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते। उस उजियाले से जो प्रेम रखता है उसकी आज्ञाओं का वो व्यक्ति पालन करता है। पालन करता है और उसके साथ उजियाला ज्योति हजार पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है, तो वह उन पर करुणा करता रहता है। और जो उससे उजियाले से रोशनी से ज्योति से बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बेड़ियों के विषय वह उजियाला विलंब न करेगा और उसके देखते ही उसके उससे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं यानी कि उजियाला आज तुझसे तुझे चिताता हूं, मानने में चौकसी करना। चौकसी मसीह जिंदगी में सावधानी रखना बहुत जरूरी। हम कैसा जीवन जी रहे, कौन सा जीवन जी रहे, हम देखते हैं इसी बात को जो हमने देखा कि बे जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। क्योंकि जो बैर किया गया ये भविष्यवाणी पूरी होती है। और इस तरह से यूहन्ना 15:18-27 में जो निर्गमन 34:11-16 और व्यवस्था विवरण 7:6-10 में ये प्रभु के लोग थे जिन चेलों से बैर किया। जब मेरे पास बाइबल नहीं थी और 12 साल की उम्र में जब घर से निकाल दिया और कुछ साल के बाद 2-3 साल के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि बाइबल भी होती है, जबकि बाइबल पैरों के नीचे रखने के लिए घर में कहीं से ढूंढ के लाए थे। और जब बाइबल के विषय में पता लगा तो इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में मैं गया, क्योंकि क्रिश्चियन शब्द है ना। मोबाइल बंद कर देना कृपया, जिसके पास वो बोला भाई है वो मोबाइल मेरा है। आपके ऑफिस में क्या करते हैं, डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, मोबाइल को बंद करवा के अलग से रखवा देते। वो तो गनीमत समझो कि मैं काउंटर पर नहीं रखवा रहा। जब संसार की नौकरी करने वाले लोग एक डिसिप्लिन पे आ सकते हैं तो संसार का बनाने वाले परमेश्वर के डिसिप्लिन में आना होगा। इस बात को ध्यान रखें, साइलेंट रख दो और या तो फिर वो क्या बोलते हैं छटका मारता है वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन पे रख लो, मालूम पड़ा वो तो वाइब्रेशन थोड़ी देर, आपका वाइब्रेशन पता नहीं कितनी देर चलते, कोई भरोसा नहीं है इस वाइब्रेशन का। कोई भरोसा नहीं, इसलिए कृपया मुंह बोला भाई मोबाइल।
बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए, उसको शांत कर दो कि बेटा आज तुम निन्नी करो, छो जाओ थोड़ा थोड़ा, ये जो पापा आला है तो क्या कहना मांग रहा था हमें बताएंगे। हाँ प्रेज द लॉर्ड, कौन बहन बोली, खड़े हो जाओ आशीष वाली, कितना अखड़ी हो जाए मेरी प्यारी, क्या मालूम भविष्यवाणी हो जाए, परमेश्वर कुछ और दिखाए, बाइबल शब्द यहां तक पहुंचने में आए, कितने सारे मुंह है ना, सब सीले हुए थे क्या। हाँ प्रेज द लॉर्ड, आइए बहन के लिए प्रार्थना करेंगे कि इसने बहुत ध्यान से बातों को सुन ली। पवित्र पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा के उस तेल को लेते हैं जो सुनने वाले कान नहीं सुन करके तेरी विधि और नियम और आज्ञा को मानने वाले हो जाए और हर एक कान तेरी ओर लगे रहे और हर एक के लिए वही ब्लेसिंग जो इस बेटी को आप देखना चाहते हैं वो हर एक के लिए भी होने को यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। जोर से जैसे ही बाइबल को पाने के लिए मैं क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर प्रवेश किया, एक उस जमाने के प्रोफेसर थे, देखा जब तक बोला नहीं तो बैठे, ये एक मसीह विश्वास है कि जब तक आज्ञा ना मिले, हालेलुया हालेलुया, ये एक बहुत बड़ी परमेश्वर को आदर देने वाली जो मसीहों में मैंने देखी है जब से प्रभु में आया, एक घुटना, उठने को कहा तो उठ गया और बैठने को कहा तो बैठ गया, ये जितना करते हैं ना ये एक आत्मिक सामर्थ को प्राप्त करते हैं, ये मनुष्य के कहने से नहीं होता, ये परमेश्वर बुलवाता है। और जैसे ही उस बाइबल के लिए मैं पहुंचा, आप में से कितनों के पास बाइबल है, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, बिना बाइबल के तो बाइबल उठाओ ना, बाइबल हाथ नहीं, बाइबल सही था तो उठाओ वचन को, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, और हाँ बाइबल ले जाओ, बिना बाइबल के कितने आए ईमानदारी से, अरे प्रभु इन्हें बाइबल की सामर्थ्य पकड़ने की देना, इसलिए शैतान पकड़ लेता है, हाँ? तो बाइबल से परमेश्वर का वचन कैसे पाया, जब बाइबल लेना थी और उस जमाने में 30 रुपए की बाइबल आती थी, 30 रुपीज, 30 रुपए की बाइबल, हमें कीमत तो नहीं मालूम थी, तो हम गए और हमने वहां के डायरेक्टर से मिले क्रिश्चियन कॉलेज के, उन्होंने मुझे देखा, भले बैठो, वो सोचे नौकरी वोकरी लेने आया होगा, नौकरी के लिए आया होगा, होता है ना, डायरेक्टर के पास कौन जाएगा, नौकरी पाने वाले ही जाएगा। और जैसे मैं खड़ा रहा, बोले कौन हो तुम, काय के लिए आए, नौकरी वोकरी चाहिए, मैंने कहा मैं ऑलरेडी नौकरी करता हूँ, फिर काय के लिए आए, मैंने कहा मुझे वो वचन चाहिए जिसकी प्रति पेड़ की चौकी स्वर्ग, जिसका सिंहासन उसकी वाणी चाहिए। बोले तुम बाइबल को जानते हो, मैंने कहा मैं बाइबल को जानता हूँ लेकिन मैं ईसाई और क्रिश्चियनों को नहीं जानता, पर यीशु को जानता हूं। आज लोग क्रिश्चियनों को और ईसाइयों को जानते हैं लेकिन यीशु को नहीं पहचानते, और जैसे ही मैंने कहा सर मुझे बाइबल चाहिए, ओके ओके, फिर उनको थोड़ा सा लगा, उन्होंने मेरे को पहले मुड्डे बने हुए आते थे वो लकड़ी के बने हुए बारीक बारीक लकड़ियों के होते थे, उस पर बिठाया, मैं बैठा तो मैंने सोचा पानी वानी लाएंगे, नहीं लाया पानी, और जैसे ही मैं बाइबल लेके आया
क्या करते हो? हमने कहा सर आपको बताया ना, पृथ्वी जिसकी पैर की चौकी और स्वर्ग जिसका सिंहासन, उसकी नौकरी करता हूं। अरे तो तुम बाइबल को जानते हो? मैंने कहा बाइबल को जानता हूं, यीशु मसीह को जानता हूं। जब उन्होंने बाइबल दी तो उससे कहा कितने पैसे हैं? मैंने कहा पैसे ठीक है, तो मैंने 100 रुपए निकाले और सील लगी हुई थी पहला पेज खोल करके 30 रुपीस इसमें सील लगी हुई, डाक खर्च सहित इसमें सील लगी हुई। मैंने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने कहा सर मैं खड़ा रहा, बैठने के बाद उठा, बाइबल मिल गई, खड़ा रहा, क्या देख रहे हो? मैंने सर 30 रुपए की है इसमें सील। अरे बाकी तो सब प्रभु के लिए दे दो ना। लो जी 100 रुपट्टी वो भी नहीं। हमने कहा प्रभु ये प्रोफेसर है, लेक्चरर है, इसकी तनख्वाह कितनी? हम रोती। हमने कहा परमेश्वर 30 रुपए की चीज 100 रुपए वहां से निकल गए रोते हुए। पढ़े लिखे तो ज्यादा थे नहीं। हमने कहा परमेश्वर ये काला काला अक्षर है, इसको कैसे पढ़े? बाइबल तो मिल गई। प्रभु ने कहा बेटा एक झोला खरीदो। मैंने कहा पैसा तो है नहीं, झोला क्या खरीदो? प्रभु ने एक चीज बताई, जाओ होटल में काम करो। होटल में काम करने का मौका जिंदगी में पहली बार पहुंचे थे। एक धनी परिवार में से हो, कई नौकर सेवा करने वाले, लेकिन आज जिस शख्स को बर्तन धोने के लिए, होटल का झूठन खाने के लिए परमेश्वर ने तैयार, कैसे वहां पहुंचा? हिम्मत नहीं कर पाला। मैं रोते हुए आंख पहुंचने के बाद जैसे होटल में गया, मैंने कहा साहब आपके यहां कुछ काम मिलेगा? बोले हाँ, क्या करोगे? झूठन धोते ही जो कहोगे वो काम कर ले। क्यों रो रहे हो? 100 रुपये था वो देना पड़ा, पैसा नहीं है, कुछ काम करके एक झोला खरीद लेंगे। और जैसे उन्होंने देखा ठीक है आज से काम से लग जाओगे, मैंने कहा अभी से लग जाए। जैसे काम पे लगे पुराने नौकर थे, उन्होंने मुझे देखा, क्यों भाई कहां से भड़क के आ रहा है? कुछ गालियां बकते थे, रात की 2-2 बजे तक बर्तन धोना पड़ते थे, वो तो सो जाते थे 10-11 बजे के बाद और कहते थे ये झूठन पड़ी है ना ये खा लेना, और नहीं तो जो बर्तनों में खुरचन लगी है ना उसे खुरच के खा लेना। ये वही मुंह है, वही शरीर है जो आप तक पहुंचाने के लिए उस रोशनी ने मेरी जिंदगी में काम किया। आज उसका काम वो मुझसे कराता है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जिंदगी, मेरा जीवन उसके हाथ में, मेरा भविष्य उसके हाथ में। और जैसे दूसरे दिन, तीसरे दिन 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाता था, रात दिन काम करना पड़ता था, जब तक खा मिलने का समय आया 300 रुपए मिले और उस 300 रुपए को लेके मैं निकला और एक झोला खरीदा और झोले में डाल के निकल गया। पढ़ना नहीं आता था, स्कूल का वो नहीं देखा था, लेकिन उसका
मैंने कहा परमेश्वर यीशु मसीह कुछ दिमाग दो। तब प्रभु ने कहा राजस्थान जाओ। राजस्थान नाम सुना था क्योंकि मेरे पापा राजस्थान के महाराणा प्रताप के घराने से थे। राजस्थान नाम सुना था क्योंकि ज्यादातर जैनी राजस्थान के ही लोग हैं जो राजपूत से ही जैन समाज में जैन धर्म में आए। और जैसे ही मैं राजस्थान पहुंचा एक छोटी गाड़ी चलती थी। पहले जमाने में बहुत छोटी लाइट बोलते थे, कोयले का इंजन होता था, 300 रुपए मिल चुके थे और सिर्फ 18 रुपए का टिकट था। आज कम से कम 550 का टिकट। उसमें बैठे चले जा रहे हैं और जैसे मारवाड़ जंक्शन पहुंचे जो खंडवा से इंदौर होते हुए राजस्थान के लिए, रतलाम होते हुए, कोटा होते हुए, जयपुर होते हुए मारवाड़ जाती थी, वहां पहुंचे और रात की 2 बजे प्रभु ने कहा रेगिस्तान की ओर जाओ जो रेत ही रेत। जब उस तरफ चलने लगे सुबह हो गई फिर शाम भी हो गई। चलते जाना था जैसा प्रभु का है वैसा करते जाना था। आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव होता है। आपकी बाइबल के पीछे सबसे आखिरी में 2 व्यक्तियों की यात्रा है, एक पौलुस की यात्रा और एक इब्राहिम की यात्रा। ये यात्रा शुरू हुई और कुछ दिनों तक चलने के बाद थक गया। रात का समय था, प्यास लग रही थी, कई आंधी तूफान आते हैं मरुस्थलों, रेत के तूफान। और वहां पर पहुंचने के बाद सुबह में गिनती और पहाड़े की आवाज सुनता हूं और पेड़ के नीचे एक स्कूल है, कहीं पेड़ नहीं है। और उस पेड़ के नीचे से जो बच्चे छोटे छोटे 1, 2, 3, 4 और बहुत कुछ सीख रहे थे, प्रभु ने कहा बेटा थोड़ा सा नजदीक जाओ और बोर्ड पे जैसा लिखते हैं और जैसा बोलते हैं बोलते जाओ और रेत पर तुम लिखते जाओ। प्रभु ने 12 दिन में पढ़ना लिखना सिखा दिया। आप 12 साल 14 साल लगाते हैं लेकिन यहां प्रभु ने 12 दिन में सिखा दिया। मेरी सोच में बहुत अंतर है उसकी कल्पनाएं। जब मैं पढ़ना लिखना सीख गया वहां पर उन बच्चों के झूठन को खाता था, उन बच्चों के टिफिन को खाता था, बच जाता था और वे बच्चे फिर स्कूल में आते थे लेकिन 12 दिन तक उस पेड़ के नीचे ही सोता था। कभी कभी तो रेत के नीचे से बिच्छू निकलते थे, सांप निकलते थे। रेतीले सांप जो होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं, डिस्कवरी आज के जमाने में टीवी में देखने को मिलता है कितने खतरनाक। उस स्थिति में परमेश्वर ने रखा। वो उजाला कहां था जिसको सर छुपाने की जगह नहीं थी। वो उजाला कहां था जिसके चारों तरफ जंगली जानवर घूमते फिरते रहते थे। साधु सुंदर सिंह कहां थे जहां चीते और भालू और शेर होते थे। किशन सिंह कहां थे लद्दाख जैसी जगह पे जहां पर उनको सांप से डसाया जाता था। ये उजाला जब किसी पे चमकता है, ये रोशनी जब किसी पर आती है तो वो अपना बना के ही रहती है ताकि लोग उद्धार पाए, ताकि लोग परमेश्वर की उपासना करना पाए और परमेश्वर की प्रजा बन जाए। इसलिए दुख उठा करके हमें तपा करके लेके आता है। और हम धन्य हैं जिसके काबिल नहीं थे पर उसने काबिलियत दे दी हमें ताकि आप आशीषित हो, आप उद्धार पाओ, आपका जीवन बचे। जब उस बाइबल को लेकर के पढ़ना था, अब कैसे पढ़े आते ही
बिजली के खंभों के नीचे बैठ करके पढ़ना शुरू किया। अचानक पान की दुकानों में पहले के जमाने में रेडियो चलते थे, ट्रांजिस्टर, और क्रिकेट हो तो यहां लगा रहे थे। पहले के जमाने कान में छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगा के घुमा करते थे, पास कितना स्क्वायर हुआ रे ऐसे पूछते थे। आज तो टीवी के डब्बे के सामने बैठते, वो डबिया काम करती थी। वो जमाना बड़ा आनंद का जमाना था। तब हमने कहा प्रभु यीशु मसीह आपके विषय में रेडियो वेडियो में कुछ आता कि नहीं आता है कि वो आता मैं गई मैं आया तो गई वो गया है? प्रभु ने कहा आता है, जाओ रेडियो खरीदने के लिए। और रेडियो खरीदा कैसे? सड़कों पे कागज और डाला बिल पेंट के और मोबाइलियां भेज दीजिए एक ट्रांजिस्टर का। उस समय फिलिप का ट्रांजिस्टर होता, फिलिप कंपनी का, और उस ट्रांजिस्टर को कर अब स्टेशन तो मालूम नहीं है, पहला बैंड घुमाते रहे दिन भर नहीं मिला। हमने कहा प्रभु मिलता ही नहीं तुम्हारे नाम पे पहुंचाता स्टेशन पे, पता नहीं क्या क्या लग कर। प्रभु ने कहा तुम लगे रहो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। फिर दूसरा बैंड चेंज करके हम करते रहे दिन भर। तीसरा बैंड किया तो भी नहीं हुआ, तीन बैंड आते थे पहले भी तो, और उस पर लाइसेंस होता था रेडियो पर, पोस्ट ऑफिस में जाकर के हर महीने उसका लाइसेंस भी चुकाना है, पैसा मत गवर्नमेंट को देना है। ऐसा होता बहुत बड़ा अनुग्रह है आप लोगों ने। देखो परमेश्वर अनपढ़ों को कैसे पकड़ता है और अपना ज्ञान सिखाता है, अपनी ताकत दिखाता है। और जैसे उस रेडियो को, फिर हमने सोचा चलो शाम को 6 बजे से रात की 12 बजे तक ट्यूनिंग मिलाते रहेंगे। एक रात ऐसी आई, तीसरी रात थी, तीन दिन तो तीन के चले गए और रात अब आई, और रात को 8 बजे नहीं सुबह 4 बजे विश्ववाणी स्टेशन पकड़ में आया। और डॉक्टर आनंद कुमार चौधरी जयपुर राजस्थान के, अरे मैंने कहा आनंद कुमार चौधरी, ये ताजुब हुआ। और फिर वहां से बाइबल स्टडी, जो सुसमाचार परमेश्वर का सुनने का सौभाग्य मिला। चार रेडियो टूट गए मेरे, चार। आपने कितने रेडियो फोड़े हैं? शुभ संदेश कितने लोग लगाते हो? प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज द लॉर्ड। बाकी लोग खारिज हैं। जैसे उस बाइबल स्टडी को करा, सब कुछ किया, मैं डॉक्टर आनंद कुमार चौधरी के पास पहुंचा जयपुर राजस्थान में तो था ही, उनके पास गया, भूले भटके पहुंच गया। पूछते मैंने कहा सर आप क्या मुझे बाइबल कॉलेज करना है, आपके बगीचे में काम कर लूँगा, मैं घर में काम कर लूँगा, खाना बनाना जानता हूँ। बोले कहाँ तक पढ़े हो? मैंने कहा अनपढ़ है। बोले कुछ नहीं हो सकता, 5वीं भी तो पढ़ो तो तुमको हम कुछ बताएं। मैंने कहा सर पढ़ना तो मैंने रेत की ढेर पे सीखा 12 दिन में। बोले डिग्री चाहिए सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने कहा ये क्या होता है, स्कूल तो कभी गए नहीं थे तो उन्होंने बताया कि स्कूल से एक सर्टिफिकेट मिलता है, इतना परसेंट नंबर। मैंने कहा साहब देखा ही नहीं है, स्कूल ही नहीं देखा तो सर्टिफिकेट क्या देखेंगे। तो उन्होंने प्रूफ दिखाया ऐसा होना। मैंने कहा स्कूल जाना पड़ेगा? बोले हाँ तो हम लेंगे। मैंने कहा बिना स्कूल के नहीं हो सकता? बोले नहीं। मैंने कहा प्रभु क्या करें? और वहां से निकले, प्रभु ने सिखाया। आज जो पूर्ण की ताकत उस उजाले ने, उस रोशनी ने दी है, क्योंकि संसार के ज्ञान से अनजान रखने के लिए परमेश्वर ने इस अनपढ़ को पकड़ा, ताकि संसार के ज्ञान से प्रभु का ज्ञान नहीं जानना है,
पर उसके ज्ञान से संसार के ज्ञान को ठोकर मारना है, ताकि प्रभु कह सके धन्य मेरे बेटे, जैसा मैं संसार का नहीं वैसे तू भी संसार का नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना जैसे बोला आह तो फिर क्या होना, एलकेजी में हो अभी। हाँ देखो बच्चे भी, हाँ ये है परमेश्वर की सामर्थ। एक बार ऐसे ही हुआ, जैसे प्रचार करता था सब कुछ करता था, एक गांव एक शहर के अंदर इंदौर में किसी जगह पे पूछा, भाई इस बार क्रिसमस पे ड्रामा करना है तो कौन सा करें, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ बच्चों ने कहा आंटी हम करके दिखाएं, बोले हाँ एक चेन बन गया, एक पब्लिक में बैठे हैं और चेन बन करके खूब बोलने लगा, बोले ये कैसा ड्रामा है, बोले जैसा वाला ड्रामा है। कितना फ्लो आता है बच्चों के दिमाग में, क्या विश्वास मजबूत हो जाता। और उन्होंने किया 25 दिसंबर के दिन और पूरी रात किया उन बच्चों ने, और क्या किया उन्होंने मालूम, उन छोटे बच्चों के जो बड़े बच्चे थे बड़े भाई थे उन सबकी ड्यूटी लगा दी, कोई रात में सोए तो पीन चुपा दे, और उन्होंने सबके लिए कोई सोया तो खोया और खोने ना पाओ इसलिए चुपा दे। कैसा दिमाग आ जाता है ना, बड़ी सवाल है। आपके बच्चे देखना कभी आपकी नहीं सुनेंगे, किसकी सुने, क्लास टीचर की, नहीं हमारी मैडम ने हमारी क्लास टीचर ने ये बोला। मम्मी पापा तो धरे के धरे रह जाते, ऐसे ही मैं तो उस पापा की बोलता हूँ, उस टीचर की बात बोलता हूँ और किसी प्रीचर की बात नहीं नकल नहीं करता, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है जो सामने। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 15:18-27, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने यानी कि इबलीस शैतान ने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। अब आप कह रहे होंगे कि हमारे इसमें बाइबल में तो इबलीस ने शैतान ने लिखा ही नहीं है, मैंने ब्रैकेट में कर रखा है। क्या लिखा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने यानी कि इबलीस ने शैतान ने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। बेरी का एड़ी से किसने कुचला था, बेरी को अपनी एड़ी से, है ना, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा ना, हवा मम्मी से बोला था ना, यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने, है ना, एड़ी से कुचला था ना, इसीलिए तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। और इसकी तुलना यशया 66:5, तुमसे पहले मुझसे बैर रखा, ये भविष्यवाणी पहले से थी। तो ध्यान रखना उस बेटी के लिए भी भविष्यवाणी पहले से थी जो 2019 में प्रकट हुई, ध्यान रख लेना उसके पैदा होने से पहले वो शरीर में आए, एक बेटी के रूप में आए, जगत में आए, उससे पहले कि परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई। कितनी कठिन योजना है, आसान नहीं। मेरे और आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है, मेरे और आपके घुटनों की आवश्यकता है, और इसीलिए लिखा है तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते हैं और मेरे यानी कि यीशु नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं उजियाले से, सत्य से, ज्योति से, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। सुनो
नगर यानी संसार से कोलाहल की धूप, संकट, क्लेश, महामारी का शब्द सुनाई देता है, वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। करनी का फल दे रहा और क्या करनी का फल है? भेड़ अलग और बकरी अलग, भेड़ और बकरी अलग। जब डॉक्टर आनंद कुमार चौधरी एक जगह मीटिंग में इंदौर में आए हुए थे, करीब मेरे ख्याल से 12-15 साल बाद जो मैं उनके पास गया था, उस 12-15 साल के बाद जब वो इंदौर में आए, मसी मंदिर चर्च छावनी इंदौर, तब मैं भी गया। जब सारे लोग उनसे मिल रहे थे और जब मेरा बारी आया, मैं आखिरी में था कि सब मिलने, उसके बाद मैं मिलूंगा। जैसे ही मैं गया, हाथ मिलाया, प्रेज द लॉर्ड बोला, और मैंने कहा, सर आपने मुझे जाना, मैं कौन हूं? बोले, नहीं हूं। याद करो सर, एक ऐसा व्यक्ति आया था जो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, आप उसको बता रहे थे ऐसी डिग्री होना, ऐसा एजुकेशन के बाद, पढ़ाई के बाद, पहली दूसरी पांचवी के बाद ऐसा रिजल्ट होना। मैं वही ऊपर से नीचे देखते हैं, बोले ये क्या है भाई, बोले कहो तो पढ़ के सुना दूं। आपने तो नहीं, पर यीशु ने पढ़ाया है और उसी ने आगे बढ़ाया। मुझे हाथ पकड़ के कार में बिठा के होटल ले गए और घुटने टेक के प्रभु से माफी मांगी और मुझे सीने से लगाया। और जब तक वो प्रचार में रहे, तब तक उनके साथ उनकी होटल में, जिस होटल में ठहरे थे उस होटल में उसी बेड पे उनके साथ सोया हूं। मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते, उस सेनाओं का परमेश्वर, वो तेजोमय महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तब उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे साथ सेवा करोगे? मैंने कहा, यीशु को छोड़ो और किसी के साथ नहीं मेरा संबंध, क्योंकि मैं उसके विचारों से और उसकी बुद्धि से अलग नहीं हो सकता। संसार से मैं अलग होने की ताकत रख सकता हूं, क्योंकि वो मेरे साथ है, उसे छोड़ मैं किसी को नहीं, और आज भी मेरे साथ कोई नहीं है जिसको मैं लेके चल सकूं, क्योंकि यीशु, यीशु का वचन और उसकी सामर्थ है, क्योंकि मेरे साथ चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्या पहाड़, क्या जंगल, कहां नहीं परमेश्वर ले जाता। परमेश्वर मुझे ले लेके चलते रहता है। अभी एक भविष्यवाणी पूरी हुई है, पारस कहां कहां है बेटा, हैं? उत्तराखंड में कहां कहां? रुद्रपुर, इन्हीं के सामने भविष्यवाणी है, इस बच्ची के सामने। एक मेडिकल लाइन चल का गोडाउन सप्लाई करने वाला मेडिसिन, उसके लिए बिल्कुल यीशु मसीह जैसा चेहरा दिखता है जो आपके पास फोटोग्राफी से। उसकी मम्मी सबसे पहले यीशु मसीह में आई, और जैसे ही उस बेटे को ये लगा कि मैं जिन हिसाब से मिलूं ऐसा कौन है, तो उसके लिए भविष्यवाणी आई। इंग्लिश में बातें कर रहा था, जब फर्स्ट टाइम मिला मुझे इंग्लिश नहीं आती, जैसे ही इंग्लिश में बातें करने लगा वो तो पलट गया, पलंग पे दूसरी तरफ खसक गया। कितना महान परमेश्वर है। और जैसे ही इंग्लिश बोलते बोलते उसको बताया कि बेटा अब तुम करोड़ों में खेलोगे, लाखों में नहीं, हजारों में,
और प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा और तुम इसराइल देश जाओगे। आप परमेश्वर तुम्हें इसराइल देश ले जाने से पहले चार कंपनियों का डायरेक्टर परमेश्वर बना के रखेगा और तुम करोड़ों 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 में प्रभु के लिए करने वाले हो जाओगे। कैसी पॉकेट मनी खोल रखी है प्रभु, वो परमेश्वर सरदार पंजाबी लड़का है, वो परमेश्वर काम करता है। यहां आया हूं तब से कितनी बार फोन आ गया, जैन साहब से जैन अंकल से मेरी बात कराओ बात कराओ बात कराओ, लेकिन मैं फ्री होने के बाद उससे बात करना, क्योंकि जो कुछ मुझे अब आगे के लिए बात करना है उसे बताना है। परमेश्वर ऐसे काम कर जाता और इसीलिए मैं डरता नहीं हूं, उससे डरता हूं। मुझको और आपको उससे डरना है जिसकी रोशनी हमें लेके चलना चाहती और तैयार करना चाहती है, उसकी चाहत पे और उसके अनुग्रह में आ जाओ। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला योना 3:13-15 पदों में लिखा है, एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम रखना बहुत जरूरी, प्रेम रखना बहुत जरूरी। कल मैं आपको बता रहा था कि एक व्यक्ति जो स्टेज पर आया था और जिसने कहा था कि मुझे यीशु मसीह को देखना है, तब गाना गवा रहा था, फिर उससे पूछा क्या तेरे माँ बाप है, वगैरह। वो माँ बाप तेरे से गुस्सा करते हैं, छोटे भाई बहन है वो कुछ करते हैं तो तेरे को ही परेशानी हो, तेरे को ही डांटते हैं, लेकिन तेरे छोटे भाई बहनों को नए कपड़े आते हैं लेकिन तेरे को पुराने पहनना पड़ते हैं तेरे पापा के। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बोले होता है। पर मुझे ये बता कि जब तू पैदा हुआ था तू कैसे गारंटी दे सकता है कि वो तेरे माँ बाप है, मुझे साबित करके पहले बता। बोले वो तो मेरे माँ बाप है, मैंने तेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसे माँ बाप कैसे मालूम। ये दाहोद गुजरात यहां से 45 किलोमीटर दूर है और तेरे माँ बाप मर गए थे और सारी प्रॉपर्टी इन्होंने अपने नाम कर ली, तो बहुत छोटा था, 3 दिन का 4 दिन का 5 दिन का, और तेरे को लेके आ गए और तो उनको मम्मी पापा बोलता रहा। उनने कहा इसको मम्मी पापा ही बोलने दो, पर सारी दौलत हमारी असली बच्चों को है। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा ऐसा हो सकता है क्योंकि परमेश्वर पाप करता है। जाके पहले पता कर गया, पता करने गया तो माँ बाप बोले तेरा भैया खराब हो गया है, ऐसा हम तेरे साथ करेंगे, नहीं मम्मी नहीं पापा। 3 बार उतारा, शाम को आया मेरे पास, फिर स्टेज पर बुलाया, अब यीशु को देखना चाहता है ना, देख यीशु के नाम से कहता हूं कि उसे देखने लगे, उसे देखने लगे, पट से गिरा और वो 12 घंटे बेहोश रहा। मैं अपने कमरे में लेके गया और वहां रहा, और जब उठा तो उसने कहा यीशु को मैंने देख लिया और स्वर्ग में कैसा है वो देख लिया, देख लिया। ये वो परमेश्वर है, और जब उसने देख लिया तो उसे भूख लगी और उसे वहां का जो भोजन है आदिवासियों का खिलाया, और आज वो बड़वानी करके एक जगह है मध्य प्रदेश में इंदौर से 250 किलोमीटर दूर, वहां के एक चर्च का पास्टर बन के प्रभु का सेवक बन के प्रभु का काम कर रहा है। कितना महान प्रभु है,
और उसका नाम क्या है पता? नाम सुन के बड़ा अजीब लगेगा, हटे सिंह, हटाने वाला, हटे सिंह नाम है। कई बार जेल गया है वो, कई बार मार खाई है। अनाथ बच्चे, गरीब बच्चे जो पड़े रहते हैं आदिवासी जंगलों में, उनको उठा के लाता है, स्कूल चलाता है। अब जगह चाहिए थी, क्या करें? तो आदिवासी इलाकों में पहाड़ होते हैं, उस पहाड़ पे पहुंच गया और उसने बाउंड्री वॉल घेर ली। और जब उसके ऊपर केस दायर हुआ, 7 साल में वो जमीन उसके हिस्से में हो गई। 7 साल में हट्टे सिंह खरगोन बड़वानी का रहने वाला, हट्टे सिंह नाम भी बड़ा है, हट्टे सिंह खट्टे सिंह मारे पीटे सिंह बहुत मार खाया है। और मानो मैं अब कोई भी उसकी शिकायत करता, ये प्रचार करता, ये करता वो करता, तो पुलिस वाले कहते भैया तुम क्या करते हो, तो ये करता है। अरे उसे दिमाग खराब कर रखा था, वो जेल में भी छुपने देता था। वो कहता साहब क्या यहां भी प्रचार करूंगा क्यों? अरे तुम्हारी ड्यूटी कितनी टाइट रहती है, तुम्हारी मदद करने जा रहा हूं, गुंडे बदमाश काम हो जाएंगे कितना अच्छा रहेगा, पकड़ की तनखा तो मिलेगी कम से कम, मेहनत कितनी करते हो। उन्होंने कहा ऐसा क्या है बाइबल में? पुलिस वाले भी उसका सहायता करने लगे। है ना दरोगा लोग यीशु है ना? अरे क्या सोच रहे हो? जब घर से निकाला गया तो क्या करें? तो ये पुलिस सीटी बजाने वाले बड़े बड़े इंदौर शहर में घोड़े पे घूमते हैं, घोड़े पे टॉप 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 आवाज आती है। वो लोग जब मेरे को देखते थे, क्यों रे क्या कर रहा है? कागज हिट रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ। क्यों रात में? मैं क्या करे, भीड़ बहुत रहती है, कागज उड़े जाते हैं, बटोर बटोर के झोले में रखता है और उसमें इकट्ठा कर कर। और क्या करता था मालूम है? जो ट्रैक्स बाइबल सोसाइटी, शराब की बर्बादी, यीशु ही जीवित है, जीवित है, अनंत जीवन उसके पास है, ऐसे ट्रैक्स होते थे। वो ट्रैक्स लेकर के दुकानों में, शटरों में, डिक्की में, कार में डालते रहता था। हालेलुया। सुसमाचार पहुंचाने का सांप की तरह घूमो कोई डंडा भी नहीं मार सकता, कहीं अभी इधर देखा था किधर गया। हालेलुया। मिस्र का डंडा परमेश्वर ने बना लिया अपना झंडा, हाँ? और कहा क्या? कहा मैं सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग हूं, सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग संग है। क्या सोचते हो मसीह? बस बाइबल पढ़ ली सुबह शाम, बाइबल इसलिए निकल ली, युद्ध कमेटी और भलाना कर लिया, हो गया काम का तो। अरे बहुत ताकतवर हो, थूक मारो तो शैतान उड़ जाएगा। हालेलुया। इस बात को, इस अभिषेक को प्राप्त करो, ऐसे अभिषेक को लो कि शैतान भी भागने लगे और काम प्रभु का होने लगे। क्योंकि वह परमेश्वर कहता है, उसकी वाणी कहती है, पहला यूहन्ना 3:13-15, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कौन और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से शैतान से था और जिसने अपने भाई को घात किया और उसे किस यानी कि हाबिल को किस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे उसके काम बुरे थे। ये रोशनी क्या बोल रही है? ये उज्याला क्या बोल रहा है? देखिए परमेश्वर का काम बुरे थे और उसके भाई के काम धन के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। आपको पता है कैन किससे पैदा हुआ? कैन किससे पैदा हुआ है? आदम से।
हवा से पैदा हुआ है, उस दुष्ट से था, क्योंकि जैसे ही पाप में हवा गिरी, पहला व्यभिचार शैतान ने सांप के द्वारा उस स्त्री से किया और वो गर्भवती थी और वह दुष्ट का पुत्र कहलाया, इसलिए उसका बलिदान स्वीकार, और जब नहीं किया तो क्या किया उसने, हत्या की, इस जमीन पर सबसे पे हत्या हुई। उस दुष्ट से था, उस दुष्ट से था, वो आदम का पुत्र नहीं था, आदम का पुत्र तो हाबिल था। Praise the Lord. कंजूसी नहीं कर रहा, नहीं तो बहुत देर तक बचवाऊंगा। इन्हीं हाथों में घायल हुआ है वो, किले ठोकी गई तो हाथ नहीं ठोक सकते, किले ठोकी गई तो हाथ ठोको, ये हाथ परमेश्वर के हैं, उस ज्योति में परमेश्वर के हैं, जो कहता है बहुत से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, उसके लिए ताली बजाते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, क्योंकि वो सेना का परमेश्वर युगान युग एक सा है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 15:18-27 में, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, यानी किसे, इब्लीस और शैतान से। संसार किससे प्रेम रखता है, संसार किससे प्रेम रखता है, उछाले से नहीं, वो संसार में है और संसार के लोगों ने उसे नहीं पहचाना, और जितनों ने उसे पहचाना उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसीलिए लिखा हुआ है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से, यानी शैतान और इब्लीस से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने, यानी उजियाले ने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है, और उसने मुझसे प्रेम रखा। जब जब मेरे घर के लोग मुझसे दुश्मनी रखते थे, विरोध करते थे, तब तब परमेश्वर मुझसे यही कहता था, क्या, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की।
मैंने तेरा वचन
है बेटा उन्हें पहुंचा दिया, मैंने तेरा जिंदा कलाम उन्हें पहुंचा दिया। सिर्फ हाथ में रखने के लिए यह वचन नहीं है, इसको रटने और रेफरेंस को लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी जरूरत है फल लाने की, नम्र दीन होने की, यीशु के स्वभाव में होने की, यीशु के समान जीवन जीने के लिए। परमेश्वर ने वचन हमें सौंप दिया है। संसार के रीति पर जियोगे तो जो इसराइली और यहूदियों का हाल हुआ उससे भी बुरा हाल हमारा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहता है मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं यीशु संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट उस इब्लीस से बचाए, जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं, जैसा तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं यानी उजाला यीशु उजाला अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। इसलिए लिखा है यूहन्ना 15 और उसके 20 पद में से लेकर के 27 पद तक, यदि उन्हें मुझे सताया तो तुम्हें भी सताया, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। इसलिए दूसरा तीमुथियुस जो पौलुस के द्वारा कहा गया 3:12 पद में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ उजियाले के साथ रोशनी के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए हैं। ड्रेस कोड लाइसेंस, ये लाइसेंस परमेश्वर ने दे दिया, केवल विश्वास करके उद्धार पाके बैठने के लिए नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उस जीवन में जीने के लिए कहा। इसीलिए निकाय या निकाय परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस के द्वारा, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जीवन कैसी भक्ति कैसा जीवन, एक सताव भरा हुआ मिशनरी सेवा, क्यों परमेश्वर हमसे दिन प्रतिदिन बातें करता है, अपने जीवन को अपने ढंग से चलाने के लिए नहीं, उस परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए, जीवन चलाने के लिए, जो ऐसा वो चाहता है वैसा जीवन में चलने। इसराइलियों ने जैसा परमेश्वर चाहता था कि गुलामी से इन्हें निकाल के, मिश्र से निकाल के मैं अपनी महिमा के लिए इनको चलाऊं, वैसा चलना नहीं चाहा, इसलिए वे मार्ग में ही ढेर हो गए, समाप्त हो गए, खत्म हो गए। और इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जीवन बिताना चाहते हैं वे सत्यता सताए जाएंगे। संपूर्ण पवित्र वचन पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया ताकि परमेश्वर का वचन सिद्ध बने, और हमें इस राष्ट्र में इस देश में हमें सिद्ध बनना है कि हम मसीह में हैं और मसीह हमारा है, मसीह मुझ में है और मैं मसीह सिद्ध करके दिखाना है। उस सिद्धता के साथ उस पवित्रता के साथ फल लाना है। मुझे बताइए गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाते हुए कितनी आत्माएं बची, गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाते हुए कितनी आत्माएं बची, है सर हमारे ही कलीसिया में है ना, इंसान की कलीसिया में बची है क्या, तेरा कंफर्मेशन नहीं हुआ, गुड फ्राइडे ईस्टर में 32वां जन कंफर्मेशन लिस्ट बन रही है, आपका व्यक्ति कहाँ है। और जब हम जैसे जो हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं तो उनके सर में दर्द होता है जिनके पास फल लाने की ताकत नहीं है,
और किसके पास है? जो प्रेजिंग करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के लिए जमा हो जाते हैं, आपको बहुत ताकत के साथ प्रभु में फल लाना शुरू करना है। और नहीं लाओगे तो ये सुनने को मिलेगा कि जैन साहब आए थे, प्रभु ने उनके द्वारा फलों को लाया, बहुत फल आने वाले हैं। कितने लोग चाहेंगे कि फल प्रभु की कलीसिया में आए, आपके साथ बैठे, आपके साथ उठे और वो भी उद्धार पाए। नरसिंहपुर के अंदर जब सभा हो रही थी, 3 दिन की जगह 7 दिन, डीवीडी दिया हूं नरसिंहपुर, वहां पर एक गुंडा था रोड के उस पार, जिसका नाम कमलेश नाम है, उसका नंबर मेरे पास है। भिंड मुरैना में सेवा करता है प्रभु की, और भिंड मुरैना में डाकू बदमाश जो लोग हैं, जिनकी पीढ़ी बंदूकें चलाती हत्याएं करती, उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है, खुद का स्कूल है और बाइबल भी पढ़ाता है। वो एक चक्कू लेके आया था, इतना बड़ा 3 फोल्डिंग वाला रामपुरी चक्कू बोलते हैं। उसके दिमाग में ये था कि ये जैन साहब को मैं देखूंगा, भीड़ भाड़ रहेगी और खत्म कर दूंगा। 2 दिन से बराबर आ रहा था, और तीसरे दिन शटर के उस पार एक आरएसएस का ऑफिस था, वहां पर दुकानें थी, बंद थी, और बसें जो हाईवे रोड पे आ रही जा रही थी, हाईवे रोड की बसें रात के समय, तो वो वहां से देख रहा सुन रहा था। प्रचार करते करते ही भाई कमलेश, अब कमलेश नाम के तो कितने ही होंगे, जहां 20-25 हजार पब्लिक हो तो कमलेश तो कितने ही होंगे। जैसे ही नाम लिया तो उसने सोचा कई होंगे दूसरे कमलेश। जब उससे बोला, प्रभु की आत्मा ने बताया कि तेरे पास एक सफेद रुमाल है, फिर उसने सोचा कितनों के पास होगा, है ना, कितनों के पास होगा। फिर आवाज आई, तेरे घाव के पट्टे बंधे हुए यहां से यहां तक, और टिंचर होता ना लाल लाल वाला, वो टिंचर से लिपटा हुआ उसका, 3 घाव हैं, कभी भरते नहीं है, लेकिन 3 घाव वाला तू है, लेफ्ट वाला पेड़ है कमलेश, परमेश्वर तुझे चुनता है। फिर भी उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब कहा कि 3 खटके वाला चक्कू है, तो उसका दिमाग चकरा गया कि 3 चक्कू है, 3 फुट वाला चक्कू किसी के पास नहीं हो सकता, तो कि मैं रखता हूं। फिर उसके बाद आवाज हुई, LG कंपनी का तेरा टीवी का शोरूम है, और तेरे शोरूम के पास में गांधी जी की मूर्ति है, चोराया गांधी चोराया, और उस मूर्ति के पास में एक पान की दुकान है, गोपाल पान सदन। उसने कहा हो गया मेरा धर्म, उसका तो दिमाग खराब, अब किधर जाऊं। और पुलिस वाले हमेशा उसको ढूंढते थे, जैसे पुलिस वाले ढूंढने को हुए, मैंने खबरदार, अब खाकी का काम नहीं, उस परमेश्वर का काम है उसको पकड़ना, खबरदार किसी ने हाथ लगाया तो। सुनना है गवाई, अभी फोन लगाते उसको, मैंने तैयार कर रहा है। हालेलुया, अरे प्रभु ये तेरा दास सोना नहीं चाहिए, जगह रहना चाहिए। 7:34 हो रहे, नहीं सो रहे। ये है का कमल का कमलेश ग्वालियर। ओके, ठीक है, माइक मेरे पास है। हाँ हाँ, दो दो माइक दे रहे हैं दोनों, क्या बात है, दो दो। हाँ भाई, बिजी आ रहा है, मैं लगा के रहूंगा, बोले कितना भी बिजी आ रहा है।
देखना कैसा बात कर रहे हो। धर 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 हाँ अब बैल दे उठा ले भैया। क्रिसमस की तैयारी में लगा रखता है। अरे उठा ले भैया पीसी लगा साइड में गाड़ी खड़ी कर। बिल्कुल जी जी बोल रहा है। हाँ जी बोल। हाँ जी और तुसी पुत्र जल्दी साइड में गाड़ी लगा। हाँ रुक रहा हूं देख। अरे रुक रहा है रुकना ही पड़ेगा। हाँ हेलो कमलेश गाड़ी खड़ी कर लो आराम से। साइड में रुके हो। कई लोग यहाँ सभा में बैठे हैं आपकी गवाही सुनना चाहते हैं। क्या आपको नाम से बुलाया गया था? जी 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 वो कितनी जी लगा रहा है भैया एक जी लगा। मैं एक भाई का नंबर दे रहा हूँ वो भाई आपको फोन लगाएंगे और 2 मिनट आप खड़े रहिएगा ठीक है। काफी कुछ पब्लिक सुनना चाहती है कि जैन साहब के द्वारा परमेश्वर ने नरसिंहपुर में जो काम किया था जो परमेश्वर की आत्मा आपको बताए वो आपको बोलना है। बिल्कुल 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 कितने बिल्कुल लगाता है समझ में नहीं आता है ना। ओके आपके पास कॉल आ रहा है मैं आपका कॉल काट रहा हूं ठीक है। ओके हाँ नंबर दे रहा हूं मेरे को काटते हैं तो हाँ 940 7 3 9 9 4 0 7 3 9 7 3 9 ओके 7 6 4 0 ओके करोड़पति में ऐसे ही होता। हम खराब पति बनने जा रहे हैं सोने की सड़कों पे घूमने वाले बनने जा रहे हैं। हालेलुया फिर भी जीरो हो गया। हेलो प्रेज द लॉर्ड। हेलो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड जी सर। हां ये आपकी गवाही सुनना चाहते हैं राक्षी विजय बोल रहे हैं मैं राजेश जी का। जी सर जी सर। हां बोलिए आपकी क्या गवाही। जी 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 बता। हेलो बोलिए। हाँ बोलिए कमलेश। हाँ मैं बोल रहा हूँ राजेश जैन बोल रहा हूँ बोलिए। बोलिए राजेश जी। राजेश हेलो। मैं पहले जो है मशीन जब नहीं था तब नरसिंहपुर में ब्रदर जैन साहब का जो है उसमें मेरे लिए जो है भविष्यवाणी उन्होंने उनके द्वारा प्रभु ने किया था कि भाई कमलेश आप जो है मैं रोड के सड़क पर खड़ा हुआ था उन्होंने नाम लेकर जो है मुझे पुकारा था और बताया था कि प्रभु तुम्हारा बदलाव ला रहा है और इस समय तुम मन में इस अस्पताल का विचार कर रहे हो और परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदल रहा है पूरी दृष्टि से तुम प्रभु का सेवा करोगे है ना। और परमेश्वर परमेश्वर ने वो मेरे जीवन में कर दिया। आज मैं एक पासवान के रूप में प्रभु का सेवा ही कर रहा हूँ। Praise the Lord. Thank you. Thank you. ये बहुत आसान बात नहीं होती।
और इसके द्वारा जब इसको बहुत घर से परेशानी हुई तो मेथोडिस्ट वालों ने मदद नहीं की, लेकिन मदद करने का मौका प्रभु ने मुझे दिया और इस बच्चे को बाइबल कॉलेज तक पढ़ाने के लिए देहरादून में और 8 साल की ट्रेनिंग किया इस बच्चे ने, और 8 साल तक खर्चा करने के लिए पिथमपुर करके फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एरिया है इंदौर के पास में, वहाँ पर मैं कभी 24 घंटे कभी 12 घंटे कभी 18 घंटे ड्यूटी करके काम करके और इस बच्चे को पैसा भेजता था। हर लाना आसान नहीं है, और आज कई बच्चों के सीनियर में और भी रिकॉर्डिंग होगी आगे भविष्य में, आपको सुनने को मिलेगा, आपके YouTube पे आएगा ऑडियो के रूप में। मैं इसलिए बहुत सारे नंबर देके जाऊंगा कि ये नंबर किस व्यक्ति का और इसकी गवाही क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में दे के जाऊंगा। और फिर जॉनसन दादा जो है ना, बहुत बड़ा काम प्रभु करवा रहा, क्या दादा है ना, हालेलुया, अब प्रभु ने दादा बनाया है। अब आ जाना हम लोगों से दादा गिरी का कौन है, प्रभु की मिनिस्ट्री है, देख के जाऊंगा। और वो भी नक्सलवादी में भी, मरियम करके एक लड़की है जिसने शादी नहीं की, हीरो भूख में जाती है। जब मुझे एक पास्टर के बारे में होता है, कल प्रभु का दास यहाँ बैठा था, बीच में बैठे थे, वो नक्सलियों के बीच में काम करते हैं, आज हमारी बातचीत हुई कमरे में तो मुझसे बता रहे, मैंने कहा उस मरियम को भी लेके आऊंगा। हाँ, ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी आवाज हो रही थी जंगल में, प्रचार हो रहा था जंगल में और मसीही लोगों के बीच में, जो 100 साल के ईसाई है, 100 साल के क्रिश्चियन है, खाना खाते वक्त में प्रार्थना करना नहीं आती, मेथोडिस्ट के थे वो, और मेथोडिस्ट के थे ना यीशु के होते तो प्रार्थी अलग हो जाए। और जैसे ही वो बहन भी प्रभु में आई और जब वो आत्मसमर्पण की तो 7 नेक्स्ट स्लाइड उन्हें समर्पण किया था, 7 लोगों ने, और जब उन्होंने समर्पण किया था तो थाने में उनसे पूछा गया तुम समर्पण क्यों कर रहे, तो थाने में मेरा नाम लिखा हुआ वहां पर था केदी आत्माओं को मैं स्वतंत्र करने आया हूं। कितने बड़े डाकू को बचाया तो इन्हें क्यों नहीं बचाएगा, ये फल लाओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर सेनाओं का यज्ञ हुआ, आपकी प्रार्थना की ताकत से, आपके घुटनों की प्रार्थना की ताकत, भले 10 मिनट करो आप, 5 मिनट करो, और करने का समय क्या है मालूम है, रात को 12 से सुबह के 5 के बीच, अर्ली मॉर्निंग, और उस बीच में प्रभु से कहो मुझे घुटनों वाली प्रार्थना दे और मुझे पवित्र आत्मा में होके प्रार्थना का विषय दे, विषय मांगो, जब विषय मांगोगे वो विषय देगा, आप प्रार्थना करेंगे और काम होगा। ये युगान युग एक सफल विषय है, इसकी टांग टूटी थी 2 साल पहले, पता नहीं कहां प्रचार करने गया, बाइक से गिर गया अचानक, इसके टांग के लिए पैसे जो लगे थे 40,000, हमने कहा 60,000 भेजते, लोगों का दिया हुआ पैसा जो प्रभु देता है वो ऐसे काम करता है। उसकी टांग ठीक हो गई, बेचारा रो रहा था, एक बार उसने उसके बच्चों ने कहा पापा अंकल से कहो मेरे को बीएड करना, फीस के लिए पैसा चाहिए, मैंने कहा पढ़ा संसार के ज्ञान के लिए पैसा नहीं है, बोले ऐसे कैसे अंकल है ये, आपको तो मेरी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं देते, और जब भी पैसा दिया मैं बोलता था सुन रहे कबले हम जरा सा भी 5 पैसा तूने संसार में लगाया ना हड्डी मांस के ऊपर, ये एजुकेशन में पढ़ाई में तो ध्यान रख लेना, पैर लगा मुझे संसार के ज्ञानी लोग नहीं पर संसार के ज्ञानियों को मूर्ख बना देने वाले मूर्ख चाहिए। अरे जैसा पता नहीं क्या क्या डोज देके जा रहे हो, संभाल भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे,
किसी को ये डोज है ना बहुत हाई पड़ रहा है, बहुतों को हाई पड़ रहा है, मुझे मालूम है आपका दिमाग हाईवे रोड की तरह दौड़ रहा है, कोई पथरीली में दौड़ रहा है, कोई जंगल में दौड़ रहा है, लेकिन अच्छी भूमि में कौन दौड़ रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा। इसलिए हिम्मत बांधो, ढाड़स रखो, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 21 पद में लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस 3 का 21 में देखिए, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। इसलिए मत्ती 5 अध्याय 10 और 11 पद में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज होने का है, धन्य हो तुम जब संसार के मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा अनंत काल का जीवन यानी कि फल है। इसलिए कि उन्होंने भी उन भविष्यताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। इस भविष्यवाणी में आना है आपको, ये भविष्यवाणियां है, जो इस भविष्यवाणी के अनुसार पाया गया वो सफेद वस्त्र पाएगा। ध्यान रखना, यहां भले कितना भी वाइट पहन लो, 40 रात 40 दिन गुड प्रैक्टिस, कुछ भी बना प्रभु, कुछ भी बना, और बाद में जैसे 40 से 41 वाला लगा था टमाटर अंडा बन था, मटन बन था, सब बन था, लेकिन पाप यहां से खुला था, वो बंद है थोड़े दिन, 40 दिन यहाँ पाप बंद रहता है, यहाँ से नहीं निकलने देंगे पाप, यहाँ से भी नहीं निकलने देंगे, और जैसे ही दरवाजा खोला 41 दिन में तो पाप शुरू। एंथोनी वर्धन है, मसीह बनो, यीशु की प्रजा बनना है। जब मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाने के लिए 21 साल की उम्र में 21 इयर्स की एज में 12 साल की उम्र में निकाल दिया, 21 की एज में मेरे घर के लोगों ने तलाश कर कि ये कहीं मिल गया, हम मिल गए, उनने कहा इसको जेल में डालो, उनने प्लान बनाया और क्या कहा, ये इतना सोना ले गया, इतना चांदी ले गया, हमारे भाई बहन मम्मी पापा नौकर चाकर भाई आग हो गई, और जैसे हम 20-21 साल के थे और हमारी FIR हो गई, हमने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, और जैसे ही जेल में गए हम वहां रहे, 6 महीने हो गए थे आरोप हमारे ऊपर लगाया गया, इतने में कि यादव करके आपने नाम सुना होगा इंदौर के प्रचारक थे, वो SP रह चुके थे, वो बहुत बड़े इंस्पेक्टर रह चुके थे, वो क्रिश्चियन थे, विश्वासी थे, प्रभु यीशु मसीह में थे, और वो बहुत ही अच्छे प्रभु के सेवक और दास। जब उनको ड्यूटी मिली, ट्रांसफर उनका इंदौर में हुआ, भोपाल से वो ट्रांसफर होकर के आए, तो उन्हें जब चार्ज दिया जाता है तो फिर स्टडी चलती है। जब उन्हें देखा एक लड़का 22-20 साल का ये आरोप लगा, उन्होंने कहा ये ऐसा तो नहीं हो सकता है, इस लड़के को यीशु मसीह के बारे में बताना पड़ेगा और इससे बात करना पड़ेगा। उनको क्या मालूम ऑलरेडी यीशु मसीह में है, मालूम है क्या, नहीं ना, लेकिन सोने का इतना सोना लेके भागा था, ये डाकू को किसने पकड़ा था, यीशु मसीह ने, उस उजियाले ने, ये आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो बेचारे यादव जी जो है अपने दिल में ये ठान के चले आए और जेल में आकर के उन्होंने मुझसे कहा, कमरे में आके कुर्सी उर्सी लगाई और मैं जमीन पे बैठा, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे लिए कुर्सी मंगाते हैं। कितना आदर एक मसीही जिंदगी जीने वाले व्यक्ति में होता है, है? और जैसे ही मैंने जो कुर्सी मंगाई और मुझे कुर्सी पे बैठने को कहा, बैठी, क्या बात है, तुम बहुत सोबर, हाथ साफ किए। मैंने कहा नहीं सर, उन्होंने किया है, तुमको पीटा है, मारा है। मैंने कहा बहुत मारा है, देखा उन्होंने बड़ा उनको बना। उन्होंने कहा मुझसे, तुम यीशु मसीह को जानते हो? मैंने कहा सर
आप ही बता दीजिए। बोले मैं यादव हूं और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूं। मैंने कहा प्रभु अब हो ही जाए। जैसे उनने कहा सर प्रेज लॉर्ड हालेलुया, देखा ही चोरों के हालेलुया और प्रेज लॉर्ड। बोले तुम तो जैन हो। मैंने कहा मैं जैन हूं और जेल में हूं और जहर भी हूं पर मसीह यीशु में हूं। मैं जैन हूं, जेल में हूं और जहर भी हूं पर मसीह यीशु में हूं। अब सोचे लो स्क्रिप्ट कैसे लिखता हूं मैं कहानी होगी। दिमाग खोपड़ी खुदा ने दी। और जैसे ही उन्होंने सुना तुम मसीह में हो, यीशु में हो, मैंने झोला तो मेरे पास था खोला, मैंने कहा सर ये डॉलर है मेरे पास, पुराना डॉलर। अरे तुम तो प्रभु के सेवक हो, अभी रुको। उन्होंने तो जेल के बाहर निकाला और मुझे गाड़ी में बिठा। सब ऑफिसर लोग दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट वाले सोचने लगे भैया क्या चमत्कार हो गया, साहब इसको लेके जा रहे हैं। तीन चार पुलिस वाले साथ में, बढ़िया वाली गाड़ी चमकने वाली टूटा टूटा करके मार्केट में पहुंची। और क्या कहा मालूम यादव जी ने, अब वो पुलिस इंस्पेक्टर थे तो मार्केट वाले जानते भी थे, उन्हें जी सर इस बच्चे के लिए कपड़े अच्छे से अच्छा निकालो। अरे अच्छे से अच्छा निकालो है, पर कपड़े अब बदलना था तो उन्होंने नाप वाप ले, अभी नहीं बदलना अपन घर चलेंगे नहाओगे धोगे। मैंने कहा बाप प्रभु घर जाएंगे, जेल से बाहर निकले हैं। और जैसे ही गए तो मालूम है क्या हुआ, सुबह सुबह उठा बगीचे में यादव साहब बैठे थे, मैं बड़ी दिनों बाद नींद में अच्छे अच्छे से सोया था, छह महीने खटमल काट रहे थे। कब हाँ बहुत परेशानी होती है जेल में, बहुत बुरी दशा होती है, लेकिन परमेश्वर उस दशा में भी हमारे साथ होता है। जो यूसुफ का परमेश्वर जो संग संग था। और जैसे ही उस जेल से बाहर निकलने वाले नहाए धोए थे, बहुत अच्छे से सोए थे, खाना भी बहुत बढ़िया खाया था। अब पत्नी पूछे थी यार किसको पकड़ के भाई, तुम चौक बैठ गया। तो फिर वो पुलिस वाले होते ना उनसे, ये साहब किसको पकड़ के लाए, अरे जेल में था चोरी का इसका है? वो सिस्टर को नींद ही नहीं आती, इतना सोना इसने गायब किया कहीं हमारे घर हाथ साफ ना कर दे। वो भी चोर की नहीं आने वाला है, जो हाथ साफ करने वाला है, दिल साफ करने वाला है, वो खुदा जिंदा हमारा मोहब्बत करने वाला है, जो चोर की नहीं आने वाला है। जैसे ही सुबह चाय का वो चल रहा था प्याला और हम गए, ओ ओ प्रभु के दास आ जाओ, उनकी मिसेस कह रही है प्रभु के दास ये अंधे तो नहीं हुए, तोड़ के अरे तो चुट्टा है बदमाश है किसको पकड़े, अरे ये चुट्टा बदमाश नहीं है, ये बहुत शरीफ इंसान है, प्रभु का सेवक है, रुको 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 रुको। फिर वो दौड़ के गए कमरे में यादव जी और वहां जाकर के उन्होंने बाइबल लेके आए और कहा देखा प्रभु प्रमाण मिला। और जैसे वो तो सिस्टर जो है बिल्कुल निराश नहीं, खुश हो गई और उसने प्रभु को धन्यवाद दिया उस बगीचे में घुटने टेक के। और फिर मेरे घर के लोगों को थाने में बुलाया, मैं तो घर में उनके घर में बढ़िया खाना पीना, अरे डब था उनका नहाने का तो उसमें भी नहा रहा था, कितना बपतिस्मा दे रहा हूं मैं, हालेलुया, हम मृत्यु का बपतिस्मा, सेनाओं के परमेश्वर के नाम का बपतिस्मा, ये विश्वास। और फिर क्या गाना गा रहा था वो, है ना, प्रभु महान। वो तो मैडम तो सोचती रहे आंटी बेचारी, वो तो ये प्रभु महान गाना भी गाता है तो वो भी और हम तो बाथरूम से निकले नहीं, खूब नहाए धोए, इतने में फोन आया, साहब का फोन आया, क्या किया टावल लपेटा थर्ड जमाने में कर लिया और फोन अटेंड किया क्योंकि लाइन पहले बहुत मुश्किल से मिलती थी वो डायल वाला, दौड़ के गया, हाँ सर, अरे सर नहीं भाई हूं मैं तुम्हारा,
आओ जल्दी से थाने में, गाड़ी में बैठो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं नहा के निकला हूं, टॉवल लपेट के निकला हूं। अरे भैया कपड़े पहन, नहीं गाय दे लो, पहन के आओ। ओ पहना हुआ ना, अब मैं बैठा, पुलिस वाले जो क्या चक्कर चलाया है सुरंग के, हमको क्या मालूम हम कौन है, हम क्या है? और सुलूट मारते थे सुबह सुबह कर रहे कितना को आनंद आ रहा है। इस रोशनी को ले लो, इस रोशनी को, इस उजाले को ले लो। और जैसे ही मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबको बुलाया और उनको खड़ा रखा, लखपति करोड़पति लग नहीं रहते वहां तो भिखारी लग रहे होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मेरे को फिर यादव जी ने कहा कमान कमान प्रभु के दास बैठो, कुर्सी लगाई बैठा, मैंने तो अकड़ के रहा था और पैर पे पैर रखा और बैठा हूँ, फिर कभी ये पैर रखा और बैठा हूँ। अरे आड़ा खींचा तो हो कम से कम, क्या दीवान। और वो लोग मेरे को देखे जा रहे हैं। और अचानक क्या हुआ कि जैसे पूजा, सच सच बताओ जितना सोना गया चांदी गया इतना आभूषण ले गया उसका बिल लाओ, तो बिल तो है, अब बिल नहीं तुमने का सब कुछ जेल में, तुम कहां से चुरा के लाए थे बताओ, इसने चुराया, तुम भी छोटे, अब ये छोटा तो है ही नहीं, सब तो मालूम है 3 महीने के लिए मेरे पूरे परिवार को जेल में कर दिया गया। 3 महीने के लिए, और 3 महीना में उनके परिवार में रहा, काजू बादाम पिस्ता सब। मैडम बोलती थी प्रभु के दास, प्रभु के दास क्या खाना? मैंने कहा सिस्टर कुछ भी बना दो खाए, कुछ भी बना दो, मिलता ही नहीं कुछ भी, ये क्या होता कुछ भी बना दो। मैंने कहा नहीं रोटी बना दो चावल, हाँ फिर मेनू लिखने के लिए एक नौकर आता था खाना बना, सर तो बताइए मैडम पूछ रहे क्या क्या कल खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे। 3 महीने जमा नहीं होते। एक आत्मा एक विश्वास के साथ योद्धा बनो। मैं बहुत प्रेयर आपके प्रेयर लिस्ट में नाम लेके जा रहा हूं, पर ये बेटी जो बैठी है ना घुटनों पे प्रार्थना करेगी। और मेरे पास इतने लोग हैं, 3000 लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए, 24 घंटे में से केवल 10 मिनट पर व्यक्ति प्रार्थना करेगा। तो कितने मिनट हो गए? 3000 को 10 मिनट से इंटू करो, मोबाइल है सब कुछ है, बाद में करना या नहीं करना वो बोला भाई अभी बंद कर दिया, क्योंकि जो मुंह से बोल नहीं सकता था ठीक से परमेश्वर ने उसको सहेल दिया था। ये परमेश्वर है, ये उसकी ताकत है, ये उसकी शक्ति है, उसकी वाणी है। और इसीलिए कहा गया है कि मत्ती 5:10 और 11 में कहा गया सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की
बुरी बातें कहें तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा आनंद काल का जीवन है, फल है। इसलिए कि उन्होंने भी उन भविष्यताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इसलिए परमेश्वर का वचन और ये परमेश्वर की वाणी और ये उजाला कहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है प्रेरितों की पुस्तक में 5वां अध्याय 21 से 41 और 42 पद में, प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उस उजियाले के नाम के लिए, उस यीशु नासरी के नाम के लिए अपमानित होने योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है नहीं रुके। जब 3 महीने बाद हमारे घर के लोगों को निकाला तो उनने कहा इसकी इतनी टांगे काट दी जाए, दोनों इतनी टांगे, इतना हाथ, दोनों आंख फोड़ दी जाए, नाक काट दी जाए और जुबान काट दी जाए। मुझे ढूंढने के लिए, क्योंकि 3 महीने तक तो रहा मैं रफू चक्कर हो गया और कहां घुसा तो पुलिस वाले कभी ढूंढ नहीं सकते। कहां घुसा जो सुअर होते ना, सुअर हाँ, जो बड़े बड़े इंदौर के शहरों में बड़े बड़े पूल होते हैं उसके नीचे क्या होता है, सुअरों के लिए जगह बनाई जाती है, टीन टप्पर और वो छपरी खपरी बना करके। तो क्या होता था, 3 में वो क्या होते थे, गायब होते थे, मैं 3 में वहां सो जाता था। हां, 3 में पुलिस वाले ढूंढते थे। अब मैंने कहा प्रभु रात में तो ये आते थे, मैं कहां सो, बोले इन्हीं के साथ सो, उन्हीं के साथ सोना स्वरों के साथ। मैंने कहा प्रभु स्वरों के साथ सुला रहे हो, बेटा तेरे लिए तो मैंने चरनी में जन्म लिया और मैं गौशाले में नहीं, मैं कहां भेड़शाले में था, तू इतना भी नहीं सह स्वरों के साथ सोना, कितनी बदबू आती है, नाला गटर का पानी हाँ क्या खुशबू देता है, एक्सप्रेस वो भी काम नहीं करेगा, इतनी बदबू आती थी। वहां छुपना पड़ा 4-6 महीने, वहां रहने के बाद पुलिस वालों की ड्यूटी बदल गई, हमारे प्रभु की ड्यूटी शुरू हो गई। क्या बैड रेस, कहां वो पुलिस डिपार्टमेंट के व्यक्ति के यहां पर और कहां फिर सुअर में, वो कांप की नाई उड़ाता है और पंख को काटता है, फिर अपने कंधे पे लेता है और फिर उड़ना सिखाता है। ये उड़ना सिखाने वाला पंख, चट्टान पे घर बनाना आसान नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 2:23, मैं तेरे नाम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को विश्वासी मसीह क्रिश्चियन पास्टर प्रचारक प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। किसने, उजियाले ने, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन में के पेड़ में से जो परमेश्वर ने स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। दुख उठाने वाले चाहिए, और जितना दुख चेलों ने प्रेरितों ने भविष्यताओं ने उठाया उतना ही काम प्रभु का हुआ। तो ये उजाला जो है स्वर्ग के फल खाने को देने वाला परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर इस बात में हमें लेके चलना चाहता है और चेलों का आनंद दुख में बदल जाता है। इसलिए चेले बनो, उद्धारकर्ता की संतान के साथ साथ उसकी संतान एक चेले के रूप में होनी चाहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्यार तो करता है, पर आप और मैं कितना उससे प्यार करते हैं ये देखना है, जानना है और बदल जाना है, अपने आप का इनकार करके और ये स्वीकार करना है।
कि परमेश्वर ने आज भी हमसे प्रेम किया है। आज आइए हम अपने स्थान पे खड़े हों जो प्रभु ने दिया है उस योद्धा के उस परमेश्वर के लिए जो हमें योद्धा बनाना चाहिए, जो हमें हिम्मत देता है, जो हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों में हमारे साथ, क्योंकि आज का दिन उसी ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आखिरी दिन है लेकिन आखिरी दिन उसका नहीं है, उसका दिन युगानुयुग हमारे साथ है, उसका वक्त उसका समय हमेशा बना है। जो हमारी ताकत प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, सेनाओं के परमेश्वर की ताकत वो हमारी ताकत बनना चाहते, हम उसकी ताकत में रहे क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंद लेते हैं, ये आनंद बढ़ता जाए। वो क्षण भर के आनंद के लिए जीवन में कितना करो, उस राजाओं के राजा के लिए आज कर। क्या ये विश्वास, विश्वास ही नहीं परंतु विश्वास से भी बढ़ के ये तय कर लो और इस बात को जान लो कि आज का दिन, आज का दिन, आज का दिन परमेश्वर ने ही बनाया। प्रभु से कहो ये दिन ये समय आपकी सामर्थ्य हमारे लिए जो तैयार किया ये कम नहीं परंतु बढ़ती जाए, क्योंकि हम जीतेंगे, हम हारेंगे नहीं, क्योंकि तू विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की आज्ञा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 5:36-30 में कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा ही कह देता हूं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। इसलिए प्रभु आज वचन जो भेजा, अभी तक हमारी जिंदगी में जो वचन भेजा वो इसीलिए आज तक भेजा, इसीलिए कि हम तेरी इच्छा के अनुसार काम करें। क्योंकि तू जलता और चमकता हुआ दीपक है, तू वो ज्योति लेके हमारे बीच में। कुछ देर तक तू चेलों के साथ संसार में था, लेकिन जी उठने के बाद आज भी तेरी ज्योति हमारे साथ है, यीशु तू हमारे साथ है। आज हम तेरे साथ होना चाहते हैं, कई बार तेरे साथ होते हैं लेकिन कुछ समय के बाद हमारे हो जाते हैं। परमेश्वर गवाह के लिए मुझे भेज, और जब तू भेजता है तो मैं अपने आप का इनकार करूं, तेरा रूप तेरा मन और तेरी सामर्थ को तू बार बार भेजता है, मैं तेरा धन्यवाद, क्योंकि आज का दिन तूने बनाया, आज का समय तूने बनाया मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, तेरे धर्म और राज की खोज करने के लिए आज का दिन भी तूने हमारे लिए बनाया। तूने हमारे लिए दिन तय नहीं किया होता आज का भी, तो आज हम मिट्टी में मिले हुए होते, कब्र में होते, संसार में नहीं होते, लेकिन तूने हमारे लिए आज का दिन किया है। ये समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक से एक प्रकाशन तू भेजता है, अपने वचन के हथौड़े से मारता और पीटता है ताकि हम शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। तूने हमारे लिए निंदा सही, तूने हमारे लिए दुख उठाया,
क्योंकि तू जीवन की रोटी और जग बन के आया। तूने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, मेरे पास जो आता है वो कभी भूखा ना होगा। तू बार बार हमें अपने वचन से तृप्त करता है ताकि हम तेरे पास हो रहा है। हमारे अंदर आत्मिक भूख बढ़ने दे, और तू बढ़ने देता है लेकिन हम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन आज मेरी कमजोरियों को दूर कर, मेरे जीवन की तमाम समस्याएं जो मुझे घेरे रहती है, जो तेरे पास आने नहीं देती, उस बंधन से तू मुझे अलग कर, क्योंकि मेरे पिता तेरी इच्छा यह है कि जो पुत्र यीशु को देखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं वो आनंद जीवन पाए। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, ये तेरे पुत्र ने कहा, जब तक पिता न चाहे। परमेश्वर पिता, अब तेरी बेदारी को जो तू बार बार भेजता गया, हमने उस मनों को उन वचनों को गाड़ गाड़ के रखा, लेकिन आज तूने फिर हमें वो गड़ा हुआ जो हमारे पास वचन था उसे जमीन में से निकाल के आज हमारे हाथ में दे दिया, और स्वर्ग से भी तू दे रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेजोमय प्रकाशमान परमेश्वर, तू जगत की ज्योति, होने दे कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और हमें छिपने मत दे, पर हमें तू लेके चल और उजागर कर फल लाने के लिए। परमेश्वर पिता, हम तेरे लोग तेरी ताकत में बने रहने के लिए तूने फिर हमसे प्रेम इसके परमेश्वर जो अपमान प्रेरितों ने सहा, अगर वो नहीं सहते तो आज ये तेरा कलाम हम तक नहीं पहुंचता। पवित्र पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, एक एक को मैं तेरे हाथ में, एक एक के परिवार की दशा को, परिस्थितियों को, यह आवाज जहां तक जाती जितनों के कानों तक पहुंचती, एक एक के कान को, एक एक के दिल को, एक एक के हृदय को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर, क्योंकि तू कहता है भक्त की प्रार्थना से जब प्रभाव होता है। इब्राहिम ने जब कहा था अगर से कोई भी नाश, सेनाओं के परमेश्वर, इन दिनों में 19 तारीख से लेकर आज तक जो तूने बीज बोए हैं और बोने का जो काम तूने किया है, वो बीज इनके अंदर से शैतान ले जाने ना पाए, शरीर की दुर्बलता इनको तेरे बीज से अलग ना करने पाए, बीमारियां इन्हें अलग ना करने पाए, एक एक डिजीज को, एक एक बीमारियों को जो मसीही कलीसिया परिवार में जहां कहीं भी है, यीशु के नाम से परमेश्वर के वचन से जला देते हैं, और बीमारियों को, उन तकलीफों को, उन परेशानियों को, उस संदेह की आत्माओं को, शैतान के पाप की क्रिया को यीशु के नाम से जला देते हैं। परमेश्वर दास तू युगान युग एक साथ जला दे प्रभु, अपनी वाणी से अपने वचन की सांस एक एक खेती जो अपानित हुआ वो उजाला, जो मेरे और आपके लिए प्रभु आप तिरस्कार किए ताकि मुझे तेरा राज्य हो। परमेश्वर पिता, मेरा ठट्टा उड़ाने वाले जो लोग हैं उनका सम्मान करने की मुझे शक्ति दे, जो बुराई करने वाले लोग हैं उनका सम्मान करने की शक्ति दे, शक्ति दे परमेश्वर, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, जो मेरे बच्चों को परेशान करते, बच्चे मुझे परेशान करते, मुझे शक्ति दे, छुटकारा दे प्रभु जी, इन मसीह परिवारों में जो अंधकार के
कि ग्रहण करने के बाद यीशु के नाम से हम उस क्रियाशील में आ जाएंगे जिसमें है शैतान, तो हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। अंधकार के गढ़ में रहने वाला हर एक मसीही परिवार उजाले में परिवर्तित होता चला जाए। ओ अनुग्रह के उजाले में एक एक की जिंदगी में बिछोने पर किसी भी दशा में परिवार क्यों ना हो, हर एक परिवार उस उजाले का परिवार बनता चला जाए। परमेश्वर तेरे राज्य की बढ़ोतरी के आत्मा को नहीं छोड़ना पड़े। प्रभु श्री में तुझसे प्राप्त करता, जो मुझे तू आदेश देता वही प्राप्त करूंगा, क्योंकि प्राप्त करने की सामर्थ्य तू देता है, और जिस रीति से तू प्राप्त करने के लिए कहता है वैसा ही प्रार्थना तुझसे परमेश्वर। देर को बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन तू हमको बचाने वाला बना, तू बना और तूने हमें बचाया। तेरी पवित्रता, उस पवित्रता स्मरण करा, ताकि मैं फल लाने के लायक बन जाऊं। एक एक पाप का बीज मुझे आज स्मरण करा जो शरीर के द्वारा किए गए, ताकि परमेश्वर पिता तेरे पुत्र का स्वभाव हमारे अंदर अधिकाई से बसता चला जाए। शरीर में नहीं परंतु शरीर से निकल के अधोलोक में पहुंचा। प्रभु परमेश्वर सेनाओं के हेवा शांति के राजकुमार, जो संसार नहीं दे सकता वो शांति की सामर्थ को, बल को, ताकत को पूरी रीति से आपकी ओर से होने दीजिए। ये मनुष्य से संभव नहीं है, लेकिन आपसे संभव है। प्रभु जी विशाल समुद्र है पापों का इनके सामने, विशाल तकलीफें हैं समुद्र के समान, अपने पवित्र आत्मा की लाठी को उतार परमेश्वर पिता। अपनी महिमा के लिए, अपनी चर्चा के लिए इन्हें अपनी तुरही बना ले, इन्हें अपनी
शुद्ध करता हूं, मैं तुम्हें शुद्ध करता हूं। यीशु, यीशु राजा के नाम से, राजाओं के राजा, सेनाओं के परमेश्वर, उस पवित्र नाम में, उस पवित्र नाम में धुलते चले जाए, धुलते चले जाए, धो दीजिए परमेश्वर पिता। आज का दिन इनके लिए आपने नियुक्त किया है, मैं धोने आ रहा हूं, मैं तुम्हें शुद्ध करने आ रहा हूं, मैं तुम्हें पवित्र करने आ रहा हूं, मैं अपनी आंख से धधकते हुए पट्टी से भरने आ रहा हूं, मैं तुम्हें अपने सभी हाथों में लेकर आ रहा हूं। आज मैंने अपने पग फैला दिए से कहा और हाथ बढ़ाया, वह काम तेरी ही महिमा हो रही है। आज का दिन तूने बनाया, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सत्कार, आदर, इज्जत, सम्मान तो इनसे निरंतर लेते रहना, इनके बच्चों से लेना, फल लाने के लिए अब तेरी योजना, तेरी बुद्धि और तेरा हृदय और इनका हृदय तुझसे जुड़ता चला जाए। यहोवा परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को लेते हैं, तेरे पवित्र नाम को महिमा मिलने के लिए शरीर की कोई भी लालसा अब इनके शरीर में नहीं दौड़ने पाए, परंतु तेरी मर्जी और तेरी इच्छा इनके शरीर से और जीवन से और श्वासों से होने पाए, क्योंकि तू महाप्रतापी परमेश्वर। प्रभु, आज तू वो अनुभव नहीं परंतु प्रमाणित कर दे इन्हीं के द्वारा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे धो दिया है, शुद्ध कर दिया है, मेरे परिवार को शुद्ध कर दिया, घराने सहित घुटने टेक के तू इन्हें वक्त देना, समय देना, आवाज देना, प्रार्थना का विषय देना, प्रार्थना की सामर्थ देना, तू इनको देना प्रभु जी, तू इनको दे देना, क्योंकि तू अपनी मर्जी के मुताबिक कार्य करता है, तेरी गतिविधियों से पीछे ना होने पाए, तेरी बुद्धि में होने पाए, तेरी सोच में पड़ने पर। पवित्र पिता परमेश्वर, आज का दिन तूने बनाया, आज का दिन तूने, ऐ शैतान अब तू इन्हें धोखा नहीं दे सकता, ऐ शैतान अब तुझसे लड़ने वाले यह हथियार बन चुके हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, इस प्रजा की रक्षा करना और इस प्रजा की सहायता करना, इनके बीच में तेरी बुद्धि, तेरी योजना, तेरी शक्ति काम करने पाए, तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं और मांगता यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।
Such was, oh, behind.